देवियों और सज्जनों हार्दिक अभिनंदन करते हैं हिंदी कक्ष में हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी और आज की वसेंट प्रस्तुति में स्वागत है आपका और मुझे लगता है हम शुरू कर सकते हैं आज की प्रस्तुति को तो शुरू करने से पहले कृपया करके आप हमें चैट बॉक्स में पुष्टि करते हुए बता दीजिए एक नंबर डालकर कि आप क्या हमें भली प्रकार से देख और सुन पा रहे हैं या नहीं सभी को नमस्कार धन्यवाद है आपकी प्रति का और हमारे आज मुख्य वक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दोस्तों आज आपके साथ जुड़े हैं सर जी सर की और मौन हम नरमान करता है इवो के पीछे आपको बताना चाहते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से परफ्यूम का निर्माता नहीं हूँ लेकिन फिर भी इसकी कहानी के साथ गहराई से जुड़ा हूं क्योंकि पहले ही दिन से मैं बहुत ही भावनात्मक रूप से इसमें जुड़ा हूँ क्योंकि मैं एकदम अलग दुनिया से ताल्लुकात रखता हूँ मेरा ताल्लुकात कला की दुनिया से है और मैं कलाकार हूँ तो जब मैंने रेमॉन से बात की तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस बहुत बड़ी परियोजना के साथ जुड़ सकूं और मैंने अपने सभी कौशल संचार की कलाएं सब कुछ इसके लिए मैंने समर्पित कर दिया जब से मैं इस परियोजना में जुड़ा हूं तो ये जो परियोजना है बहुत ही अद्वितीय है इसकी अपनी एक अद्वितीय कहानी है उस विचारधारा से जब से ये शुरू हुई है उस क्षण तक जब तक हमने संग्रह सेट को निर्माण किया जब से इसके टेस्टर का निर्माण किया गया है लगभग चार महीना हमें हो गया है इस परियोजना के साथ और आपको बताना चाहते हैं हमने कैसे शुरुआत की रेमॉन शुरुआत से एक बहुत ही बड़े स्तर की परियोजना को शुरू करना चाहते थे और रेमोन इवरेज के साथ लंबे समय से जुड़े हैं उनके पास एक सुअसर था कि वो कंपनी से के साथ जुड़ सकते और वो सीधे तरीके से एंड्रे जी से भी इनकी मुलाकात हुई थी तो हमारे पास एक अवसर था कि हम इस परियोजना को प्रस्तुत कर सके और ये मुमकिन हो पाया दुबई में हमारी मुलाकात पहले मार्च में हुई जहां पे और दुबई में ही इसका उत्पादन हुआ और ये जो ब्रांड है ये केवल परफ्यूम से ताल्लुकात नहीं रखता बल्कि विलासितापूर्ण उत्पादों से जुड़ा है और जब हमने एंड्रेस से बात करी वो हमारी विचारधारा से काफी प्रभावित हुए और हमने शुरुआत में योजना बनाई कि हम आठ परफ्यूम का संग्रह का निर्माण करेंगे और ये काफी उच्च योग्यता के परफ्यूम है इत्र है तो हम इसे एक संग्रह बोलते हैं पहले मंच हम रेमोन को देंगे शायद हो सकता है आप उन्हें ना जानते हो और मैं चाहूंगा कि वो आपको परफ्यूम की दुनिया से अवगत कराएं सभी को नमस्कार ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पर आज मौजूद हूं और मैं एक सहभागी हूँ विश्व के नए आर्थिक विकास में आप सभी की तरह जी हाँ कई बार आपके जीवन में एक ऐसा क्षण आ जाता है जहां आप सभी ज्ञान और अनुभव को दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं उसी प्रकार से इवस, इवो सेंट ने हमें एक सुअसर प्रदान किया है कि हम मुमकिन कर पाए और इसको हमने शीर्ष दस विलासिता पूर्ण उत्पादों में हमने हमारी ये कोशिश है कि हम उसमें इसे शामिल कर सकें विलासिता की दुनिया में जहां इसका जुड़ाव दुनिया के साथ हो और ये जो सभी उत्पाद इसके इस ब्रांड के अंतर्गत आए वो उच्च योग्यता के हूँ हमने शुरुआत फिलहाल इत्र से किया है क्योंकि मेरे पास चौदह साल का लगभग अनुभव है उस क्षेत्र में काम करने का तो ये तो ऐसा है जैसे मेरा सपना साकार हो रहा हो प्रतिदिन मैं इत्र की दुनिया में काम करता हूं और मुझे आशा है कि आप जब इसकी महक को अपने अंदर समाएंगे जिस इत्र का हमने निर्माण किया है तो आप जरूर इससे जुड़ी मेरी भावनाओं को महसूस कर पाएंगे अब स्क्रीन पे आपके समक्ष वो संग्रह है जो कि आठ अनूठी सुगंधों से बना है और हम इसे सबसे सर्वोत्तम मानते हैं तीन कारण की वजह से सबसे पहला कारण ये सबसे उच्च योग्यता संपूर्ण एक संग्रह है एक वाकई में कलाकार व्यक्ति जिसका 40 साल का अनुभव है उसने इसका निर्माण किया है और साथ ही ये उच्च योग्यता इसलिए है इसकी क्योंकि इसके अंदर वो सभी सामग्री जुड़ी है जो कि काफी उच्च गुणवत्ता पूर्ण होती है सामान्य रूप से प्रतिदिन जो आप इत्र का इस्तेमाल करते हैं जो वाकई में सार होता है जिससे वो इत्र बनते हैं उसकी मात्रा उन इत्रों में बहुत कम होती है लेकिन हमने हमने बहुत ही ज्यादा मात्रा डाली है और हमारी इसी कोशिश की वजह से लंबे समय तक इस परफ्यूम की महक आपकी त्वचा पे बनी रहेगी और तीसरा कारण ये उच्च गुणवत्ता का इसलिए है क्योंकि हमने बेहद प्यार से इसको बनाया है कोई भी कला का टुकड़ा जो आप देखते हैं अगर वो आपके दिल को छूता है वो इसलिए हो पाता है क्योंकि वो बेहद प्यार से बनाया जाता है तो हमने अपने पूरे सतर्कता से इसका निर्माण किया है और जो इत्र है वो केवल एक खुशबू की बात नहीं होती बल्कि जो महक होती है वो आपके व्यक्तित्व को भी प्रदर्शित करती है तो हम लोग काफी विस्तार से इन आर्ट परफ्यूम के बारे में आपके साथ बात करेंगे फिलहाल ये बक्सा हमारे समक्ष है और हम आपको बकायदा समझाएंगे कि किस प्रकार से आप इस बक्से को बिल्कुल निशुल्क रूप से अपने तक पहुंचा सकते हैं ये जो बक्सा है ये बहुत प्यार से बनाया गया है और आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं ये यहाँ लिखा है सुनहरे अक्षरों में और इसके अंदर एक फ्लायर है जो कि आपको सभी प्रकार से विवरण प्रदान करता है इन सभी आठों इत्रों का क्योंकि हम चाहते हैं लोगों को इसके पीछे के सूत्र का भी पता चले ताकि वो अपने सभी संभावित ग्राहकों तक इसको पहुंचा सके जिनकी वो चिंता करते हैं परफा करते हैं निजी संबंधियों और दोस्तों तक भी पहुंचा सके बहुत ही महक खुशबूदार ये है और बहुत ही अनूठी है तो जैसे कि कहा जाता है आपको ये समझने की जरूरत है कि सभी ये जो खुशबूएं हैं ये अपने आप में बहुत ही अनूठी और विविध हैं अब हम मंच रेमौन को देना चाहते हैं ताकि वो हमें समझा सके और बेहतरीन तरीके से कि क्यों ये जो कला का टुकड़ा है उसे एक फ्रेम की जरूरत क्यों है जैसे एक पेंटिंग का फ्रेम होता है अब आप कल्पना करें कि निकोलाचुला की जो पेंटिंग है निकोलाचुले की अगर जो पेंटिंग है क्या आप उसे कूड़ेदान के पास में देख सकते हैं कल्पना कर सकते हैं नहीं ना इसी प्रकार से हमारा परफ्यूम को भी बेहतरीन पैकेजिंग से बना हुआ होना अनिवार्य है तो जो लेबल होता है वो महज एक लेबल कागज का नहीं बना बल्कि ये मेटल प्लेट है उससे बना है बहुत ही खूबसूरत है और इसमें काफी सुविधाजनक एक कैप भी जुड़ी है और ये पूरा काम कला का है जो इसमें जुड़ा है और साथ ही इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको आपको समझना चाहिए और ये आपके पर्यावरण को बिल्कुल दूषित नहीं करती है और यहाँ हमारी कोशिश है कि हम इसको पूरा पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाकर इसको इसके साथ काम करें तो जो कलाकार होता है वो आपको अपनी रचना के बारे में क्या बताता है जिस प्रकार से एक कलाकार होता है कला उसके हृदय में बसी होती है और आपके जीवन में वो कभी ना कभी उभर कर आ ही जाती है आपका जो कला छुपा होता है आपके अंदर से बाहर निकल ही आती है और इसी प्रकार से ये कला भी हमारे हमने प्रदर्शित की है सभी दुनिया के सामने बहुत ही प्यार के साथ अब चलते हैं अगली स्लाइड पर और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं पहले ही इसमें हमें बहुत ही कम समय लगा है बहुत ही जल्दी हमने यहां तक हम पहुंचे हैं थोड़े ही समय में हमने एंड्रे के साथ बात करी, उन्होंने हमने उन्हें विचारधारा प्रस्तुत की और उन्होंने हमें अपनी विचारधारा प्रस्तुत की और फिर हमने हमारी मानसिकता को एक किया और एक बनाते हुए हमने परियोजना को शुरू किया जिसे वो कहते हैं और पहली ये जो कलेक्शन है इसे इवोसेंट कहा जाता है और मैंने ये देखा कि दुनिया किस तरीके से बदलती है जल्दी जल्दी समय बस गुजरता चला जाता है जैसे हाथ से रेत गुजरती है मुट्ठी से रेत गुजरती है जी हाँ काफी हमने कड़ा परिश्रम किया है लेकिन इस कम अवधि के अंदर और हमें आखिरकार आठ खुशबुओं को चुनना था अपनी परियोजना के लिए लेकिन वो कोई आम खुशबू नहीं होनी चाहिए वो अपने आप में काफी अनूठी होनी चाहिए और आपको याद रखना चाहिए कि हमारा जो समुदाय है वो वैश्विक समुदाय है सबका अपना अपना स्वाद है एक अपना अपना चुनाव है और अपनी अपनी पसंद है तो अब जब हमें समझ में आया कि हमारा जो समुदाय है वो किस प्रकार से है और हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका अमेरिका से अफ्रीका चारों तरफ हम फैले हुए हैं हमारा समुदाय तो हमें चनाव करना था और हमारी कोशिश थी कि हम काफी ज्यादा सुगंधित रूप से इसका निर्माण करें जो कि साथ ही जो पश्चिमी और पूर्व की खुशबुओं को हम एकजुट कर सकें और इनमें से कई ऐसी भी हैं जिनका कोई अपना पारंपरिक कोई सूत्र नहीं है या कोई अपनी सांस्कृतिक जड़े नहीं है अब जैसे अगर हम दुबई में हैं तो मुझे लगता है कि आपको जरूर मौका मिला होगा कि आप इस बक्से पे अपना हाथ जमा पाए इसको अपने हाथ में इस्तेमाल कर सकें महसूस कर सके इस बक्से को और जब लोगों के हाथ ये सैंपल का बक्सा जा पहुंचा तो सभी लोग बहुत ही भावनात्मक भावुक हो गए और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसने बहुत ही अनूठा प्रदर्शन कर दिखाया है और मेरे को इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया भर में हम शीर्ष दस कंपनियों में से एक होने वाले हैं और आपको हमारी इसमें मदद करनी होगी हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इसको सर्वोत्तम और उच्च स्थितियों तक पहुंचा सके जाए हमारी परियोजना क्योंकि हर जो पर, हर परियोजना है उसके पीछे अपना एक सिद्धांत होता है और हम सभी लोग हैं हम सभी की अपनी भावनाएं होती हैं और उन भावनाओं की वजह से ही हम मानव कहलाते हैं इंसान कहलाते हैं और यही भावनाएं जो हैं ये हमें अध्यात्म से भी जोड़ती है सुख समृद्धि और खुशहाली से भी जोड़ता है तो उसी तरह से ये हमें उच्च पूर्ण उत्पादों से भी जोड़ेगा लेकिन ये वो उत्पाद है जो कि सामान्य रूप से लोगों को लगता था कि ये तो केवल विलासिता पूर्ण लोगों तक ही पहुंच बना सकता है लेकिन अब हम भी इस विलासिता की दुनिया में कदम रख सकते हैं और ये सभी जो आठ खुशबूएं हैं इसके बारे में आगे, आगे आपको बताया जाएगा लेकिन ये केवल हम आपको अभी यही बता सकते हैं कि ये तो केवल एक फिलहाल शुरुआत है और सेंट जो है उसका लक्ष्य बहुत बहुत ऊंचा और बहुत बहुत दूर तक है हम लोग विलासिता की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं उन उच्च गुणवत्ता पूर्ण उत्पाद हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और इसके बाद हम आपसे हर परफ्यूम के मूल्य के बारे में बात करेंगे बक्से के बारे में बोतल के बारे में इसके मूल्य के बारे में आपको अवगत कराएंगे लेकिन जैसा हम आपको बता चुके हैं दुनिया की शीर्ष दस कंपनियों में से हम एक होंगे जो न केवल इत्र बल्कि बाकी एक्सेसरीज का भी निर्माण करेगा तो आप यहाँ स्लाइड पर देख सकते हैं कई उत्पाद है जिनको मैं काफी लंबे समय से जिनका निर्माण कर रहा हूं और मैंने इसका निर्माण इसलिए किया है क्योंकि मैंने हिम्मत की है इसका निर्माण करने की और हमने एक परफ्यूम का भी निर्माण किया जिसकी लागत 190,000 वन हंड्रेड एंड थाउजेंड यूरो की थी जिसको मैंने शीतकाल में बेचा मैंने बस इसको अपने आनंद के लिए बस इसको निर्माण किया और सोचा मैं इसे उसे आनंद में बेच दूं और जानते हैं केवल पच्चीस मिनट ये काउंटर में रहा होटल की लॉबी में वहां पर एक उत्सव चल रहा था लंबर गिनी का उत्सव मनाया जा रहा था और और वो 25 मिनट के अंदर वहां पिक -पिक गया। और ये ऐसा मेरे लिए था जैसे भगवान आ की तरफ से मानो कोई उपहार हो और ये उपहार उनको मिलता है जो हिम्मत करते हैं जो सीमाओं से परे जाते हैं जिनमें हिम्मत होती है कि वो अंततः को एक इन्फिनिटी तक पहुंच बना सके और जब भी मैं ऐसे हिम्मत करता हूं कायनात और परमात्मा मुझे जरूर उपहार देता है और उसके लिए पारितोषित देता है जितना दूर मैं जाना चाहता हूं उतनी दूर मेरे को सफलता मिलती है मैं नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने एनडीए पे हस्ताक्षर किया है लेकिन मैंने अपने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर नंबर वन कंपनियों को बेचा है मैंने दुबई में बेचा है दुबई मॉल में रेड स्क्वायर मिलान सऊदी अरेबिया और मैंने पूरी दुनिया में अपने उत्पादों को बेचा है मैं यहाँ पे इत्र के बारे में बात कर रहा हूं ये इत्र छोटे से टुकड़े हैं कला के और जो मूल्य है वो लगभग बारह से पच्चीस से पंद्रह से पच्चीस हजार यूरो तक की लागत भी रखते थे कुछ बहुत महंगे थे मेरे उत्पाद और कुछ इतने महंगे नहीं थे लेकिन ये मेरे कड़े परिश्रम से निर्माण किए हुए उत्पाद हैं और मैं अपने अनुभव का इस्तेमाल करना चाहूंगा और इसी प्रकार के उत्पादों का निर्माण करना चाहूंगा जिसकी कभी किसी ने कल्पना न की हो और मेरी कोशिश यह है कि ये सभी के लिए किफायती हो तो इवरसेंट का निर्माण यहां हुआ है इसी पृथ्वी पर और जो पहला बीच है वो तो अंकुरित हो भी चुका है उसमें से एक छोटा से पौधा भी बनना शुरू हुआ है आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से परफ्यूम दिखता है आप स्लाइड पे देख सकते हैं आप इन सभी बोतलों को अकेले देख सकते हैं या इसे पूरे एक संग्रह के रूप में देख सकते हैं इन सभी का निर्माण किया क्या है बहुत ही ध्यान पूर्वक इसमें पूरी अपनी दिलोजान से मेहनत करके केंद्रित होकर हमने इसका निर्माण किया है और ये खूबसूरत मौका है जिसकी मदद से आप मार्केटिंग व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये वो उत्पाद है जिसे आप सरलता से किसी को भी इसका प्रस्ताव दे सकते हैं आपके निजी संबंधी आपके प्रियजन आपके दोस्तों कोई भी जो कि व्यवसाय के साथ शामिल होना चाहता है उसके लिए आपको ज्ञानवान होना जरूरी है आपको जुनूनी होना जरूरी है ताकि आप हमारे जुनून को लोगों तक पहुंचा सके हमारे जोश को जो भी हम इसके लिए महसूस करते हैं हमारा उत्साह वो आपको लोगों तक पहुंचाना है और ये आठ वो टेस्टर हैं इसके लिए आपको लोगों को आमंत्रित देना है कि वो जरूर आए और इसको स्वयं महसूस करें इसकी खुशबू को और मुझे बहुत ही हैरानी हुई मैं अपनी कहानी के बारे में बता रहा था आ, मैं मॉल में जा रहा था और वहां पे बिना मुझसे पूछे वहाँ के जो लोग मेरे ऊपर मेरे ऊपर परफ्यूम को छिड़क दिया और इतनी सारी महकों को मेरे ऊपर मेरे से बिना पूछे छिड़का गया कि मेरा सर चकरा गया यही होता है जब आप किसी बहुत सारे परफ्यूम को महसूस करते हैं इकट्ठे आपका दिमाग चकरा जाता है आपको एक हर एक सुकंध को अपना समय देना चाहिए महसूस करना चाहिए किस प्रकार की खुशबू है किस प्रकार की भावनाओं को आपके अंदर ये उजागर करती है और आज आप एक खुशबू को जाच सकते हैं मौका दे सकते हैं कल किसी और खुशबू को महसूस कर सकते हैं तो ये सभी जो खुशबूएं हैं ये जीवित होती हैं एक तरह से मानो जैसे इनमें आत्मा हो ये आपको प्रेरित करती हैं तो जब हम सभी इन महकों को एक एक करके आपको बताएंगे सबके बारे में बहुत गहराई से नहीं बात करेंगे लेकिन अः मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको बेहतरीन रूप से इसके बारे में बता सकूं चलते हैं अगली स्लाइड पर तो जो पहला पहला नंबर है उसे कहा जाता है ईवो रिच ईवो रिच को नंबर वन पे क्यों रखा गया है क्योंकि ईवो रिच ही बुनियाद है, वही नीफ है और अगर हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच बनाना चाहते हैं सुनहरे जीवन में कदम रखना चाहते हैं तो ये वो सुनहरी जमीन है जो कि हमें हमारी सीमाओं से पार जाने की मदद करता है और ये फूशर और, और फैक्ट्री फैमिली का एक भाग है तो रेमॉन क्या आप समझा सकते हैं फुशोर क्या है तो फुशोर एक पारंपरिक स्टाइल है जिसकी मदद से हम परफ्यूम का निर्माण करते हैं ये बहुत ही आधुनिक नोट से बना है और ईवो रिच परफ्यूम से हम सभी आ, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका हमने निर्माण किया है ये हमें पारंपरिक दुनिया से अवगत कराता है और हम विश्व का नया आर्थिक विकास इसके साथ मुमकिन कर पाते हैं और ये हमारी व्यक्तित्व का ही एक झलक है मेरी यहाँ पे कोशिश है कि मैं आपको जब जब रेमॉन इन परफ्यूम का निर्माण कर रहे थे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा लम्हा था वो और मैं तो सभी परफ्यूम को इस्तेमाल करता हूँ एक एक दिन और दूसरा दूसरे दिन और जो दूसरा वाला परफ्यूम है ये बहुत ही उच्च योग्यता पूर्ण इत्र है हालांकि ये सभी जो परफ्यूम है बहुत ही उच्च गुणवत्ता के हैं फिर भी लोग हमसे पूछते हैं कि ये क्या ये सभी इत्र मर्दों के लिए है या महिलाओं के लिए और मैं उन्हें बताता हूं कि जो उच्च योग्यता पूर्ण होते हैं वो किसी भी लिंग को प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं या किसी एक के लिए नहीं बना होता तो क्या लगता है आपको कि जो बड़े बड़े कलाकारों की चित्रकार होता है उनकी जो चित्र कला होती है जो पेंटिंग होती है क्या वो केवल पुरुषों के लिए होती है या महिलाओं के लिए होती है अरे नहीं कला भेदभाव नहीं करती है लिंग के हिसाब से कोई भी लिंग चाहे कोई क्यों ना हो चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है आप इसका आनंद उठा सकते हैं और ये सभी जो आठों खुशबुए हैं ये आपकी सूंघने वाली इंद्रियों को प्रभावित करती है और ये दूसरे वाला का नाम ग्रेटनेस है ये मस्क एम्बर से बना हुआ है और इसमें बहुत ही टॉप नोट है आ, ये ट्यूब्रोस से भी बना है और साथ ही ये जो ट्यूब्रोस है ये बहुत ही अद्भुत विजन प्रदान करता है समुद्र का जी हाँ कुछ लोग कह सकते हैं कि ये एक थोड़ी सी महिलाओं के लिए जैसे बना हुआ खुशबू है लेकिन जानते हैं मैंने बहुत सारे बाजारों में मैंने काम किया है बहुत सारे आ, लोगों से मुलाकात की है और जब मैं सऊदी अरेबिया में गया था मैंने ट्यूब रोज की खुशबू का आनंद उठाया मुझे आभास हुआ कि बहुत सारे लोग हैं वहां पर जो कि जैन सिंह खुशबू जैसा ये महसूस होता है और हमें स्वयं को कहीं भी रोकने की क्यों जरूरत है तो ये जो खुशबू है ये किस प्रकार की है ये वो खुशबू है जिसे आप महसूस करते हैं और ये जो खूबसूरत खुशबू है ट्यूबरोस की उसके इत्र उसके सार से बना है तो ये मुझे एक मानो जैसे इसकी महक लेते ही अपने अंदर ये मुझे एक बगीचे में पहुंचा देता है एक ऐसा बगीचा जो अः फूलों से बना है वो मुझे शांत करता है और जानते हैं मैं जरा दोबारा दोहराना चाहता हूं इससे इस कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पुरुष हैं या स्त्री आप फिर भी इस खुशबू का आनंद पक्का उठाएंगे यकीन माने और जो तीसरा है हमारा लक्ष्य था कि हम एक बहुत ही कामुक सुगंध को पैदा करें और हम इसे तांत्रिक पुलाते हैं और ये एक ऐसी खुशबू है जो कि आपके मुंह से आपके चेहरे से सभी मुखोटों को हटा दे इसके बहुत ही इसकी बहुत ही सौम्य नोट से ये बना है और जैसे कि होसे कहते हैं ये ऐसी खुशबू है जिसकी मदद से आप प्रेम अपने भीतर उजागर कर सकते हैं और साथ ही हम का मुक्ता को अपने भीतर पहचाने ये उसके लिए बना हुआ है और हम सुनिश्चित कर सके कि हमारे भीतर का जो तांत्रिक आन, आंतरिक जो दुनिया है उसको हम महसूस कर सके उस तक हम पहुंच बना सके और मैं जानता हूं आप बिल्कुल इसका आनंद उठाएंगे और जो चौथा है वो है पैराटिकमा पैराटिकमा जैसे कि आपको पहले बताया है यहां हम एक नए रुझान को पहचानते हैं ये थोड़ा पश्चिमी रूप से इसका इसको बनाया गया है और इसमें कुछ बिंदु पूर्व के भी लिए गए हैं और दोनों को मिलाकर हमने इसको इसको पैदा किया है और जो इसकी खुशबू है वो बहुत ही जबरदस्त है ये आम्बरा है और ये हमेशा आकर्षित करती है औरों को आकर्षित करती है बहुत ही अनन्य इसकी खुशबू है और पांचवा जो है उसे बोला जाता है कि छुपी हो लेकिन वो कहीं ना कहीं कही हमसे जुड़ी भी होती है हमारे ऐसी चीज है भी जिसको है। आप केवल और केवल आप महसूस कर सकते हैं और ये एक ऐसी खुशबू है जो कि और आपको मैं बता दूं कि सभी सुगंधे जो यहाँ पर मौजूद हैं ये बहुत सफल हैं और जो लोग इन सुगंधों को को अपनाते हैं लगाते हैं तो उनको बहुत पसंद आता है क्योंकि इसके अंदर जो एक हल्का सा धातु के नोट्स भी हैं और साथ ही साथ आप जो है ये सुगंध आपके मिलकर आपके स्वयं के व्यक्तित्व को उजागर करती है और ये इस प्रकार करती है कि आप जो हैं यहाँ पर रहकर एक्स एक को देख नहीं सकते लेकिन आप इसको महसूस कर सकते हैं और ये वो सुगंध है जो कि बनी हुई है जो कि जो कि धूल या मिट्टी जैसे जब बारिश आती है धूल और मिट्टी की जो सुगंध होती है तो वैसी विशिष्ट सी सुगंध है और यहाँ पर ये काफी दिलचस्प सुगंध है जो आप ले पाएंगे ये वाकई में एक धुएं की तरह जैसा एक धुआं होता है एक जिस प्रकार से जब हल्का हल्का धुआं होता है उस धुएं को आप महसूस कर पाएंगे अब इस धुएं को आप बिल्कुल भी अपनी गाड़ी के धुएं से मत मिलाइएगा जी नहीं जी नहीं ये बहुत ही उच्च 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 गुणवत्ता का धुआं है जिस प्रकार से जैसे कि आप पहाड़ों पर जाते हैं और पहाड़ों पर जो आपको धुआं मिलता है जो बादल होते हैं जो धूमिल सा होता है वो आपको एक महसूस कराता है अब हम आइए बात करते हैं बसाल्ट की और बसाल्ट क्या है बसाल्ट हमारा एक 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 परियोजना है हमारे इवोरिच की और ये बसाल जो है वो वाकई भूमि से उपजा हुआ है और ये भूमि के गहराई से निकला हुआ तो ये जो जो इत्र है ये उसका जो फॉर्मूला है और इसने हमें काफी प्रेरित किया है कि जो ये, ये जो है हमें पाश्चात्य सुगंध की ओर ले जाता है रेमोन हमेशा काफी प्रेरणा प्राप्त करते हैं आ, जो पूर्वी सुगंधों से और आ, मैं यहां पर वाकई आपको इस सुगंध को समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो तो यहाँ पर शेदार है इसके अंदर पचौली है और इसमें बर्गोमौंट का टॉप नोट है और इसके अंदर बहुत ज्यादा जो जो सुगंध है उसके अंदर वाकई रहस्य इट्स ये ये रहस्य है ये एक जादू है जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे और ये वाकई आपको उस समय अगर आप समझेंगे तो बसार्ट जो है वो मिट्टी से बना हुआ है मिट्टी से निकला है और ये एक प्रकार से जब आप इसकी इस चीज को देखेंगे कि बसाल्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि किस प्रकार ये धरती से उपजता है या, या धरती की सतह से निकलता है उसी प्रकार ये जो सुगंध है ये सुगंध बहुत ज्यादा गहरी है और जो भी बसाल्ट के उत्पादन से जो भी उत्पाद बनेंगे वो काफी शक्तिशाली होंगे यही ये जो सुगंध है यही जो इत्र है ये आपको आभास दिलाता है उसके बाद आइए चलते हैं डायनमिक गोल्ड की तरफ ये जो खुशबू है दोनों के लिए महिलाओं के लिए और, और पुरुषों के लिए है लेकिन महिलाएं इसका ज्यादा आनंद उठा पाएंगी क्योंकि ये हमारे विश्व की जो नारीवाद है उसकी शक्ति को उजागर कर रहा है ये कहती है कि मैं यहां हूं ये कहती है कि आप मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते ये कहती है कि मुझे अपने आप पर पूर्ण विश्वास है और आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और इसको कहा जाता है वेल्थी स्पिरिट यानी कि ये आप इसको दोनों तरीके से छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर वो सार है जो कि मैं यू कहूंगा कि ये वाकई बहुत संवेदनशील सार है बहुत संवेदनशील है क्योंकि इसके अंदर आयरिस है आयरिस एक तरह का ऐसा फूल है जो कि जिससे ये सार बनता है और अब आप कल्पना कीजिए कि ये जो जो फूल है इसको सुखाया जाता है और, और ये काफी उच्च स्तर का और वाकई आयरिस जो है एक फ्लोरेंस में शहर का भी नाम है और इटली के अंदर इसकी विशेष भूमिका है विशेष अहमियत है क्योंकि सभी कलाएं जो हैं इटली की उनका उद्गम स्थान जो है वो वहां से बनता है तो ये एक प्रकार से वो सार है जो कि प्रेरित करता है आपको जो कि एक ऐसा सार है जो आपको अपनी आध्यात्मिकता से मिलाता है ये एक ऐसा सार है जो आपको याद दिलाता है कि जब आप खेलते हैं और जिस प्रकार आप खुश होते हैं खेल कर खुश होते हैं और आपको ये आपके बचपन की याद दिलाता है और ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपके लिए इस बोतल में बंद हैं और ये आठ हमने इसको नंबर आठ इसलिए दिया है क्योंकि ये अनंत का चिन्ह है ये अध्यात्म है ये आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र और समृद्ध बनाता है और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं कि हम लोगों ने अभी केवल शुरू किया है और आगे वाले आने वाले निकट भविष्य के अंदर हम लोग यहाँ पर इवोसेंट के अंदर बहुत सारे उत्पाद लेकर आएंगे और जो आप देखेंगे कि आप भविष्य में कहा जाना चाहते हैं या हम भविष्य में इवोसेंट के साथ क्या क्या निर्माण कर सकते हैं इस समय ये रहस्य है लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले बहुत शीघ्र समय में हमारे जो निर्माणकर्ता है वो कुछ ऐसा बनाए जिसपे आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे अविश्वसनीय क्योंकि हम लोग वाकई अविश्वसनीय उच्च मान उच्च उच्च गुणवत्ता के हम लोग उत्पाद जैसे कि हैंडबैग्स बनाने वाले हैं ऐसे हैंडबैग्स जो अनंत होंगे ऐसे हैंडबैग्स जो आपके साथ हमेशा तक रहेंगे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नई नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें अपने उत्पादों के लिए ये एक ऐसे जो कि उत्पाद से बनेगा जो कि काफी Uh, समय की मार को आराम से समय की थपेड़ों को आराम से सह पाएंगे और ये बहुत शक्तिशाली मटेरियल्स uh, होंगे बहुत ही शक्तिशाली सामग्री होगी जो कि इस समय आपको शायद बाजार में कहीं नहीं मिलेंगे और ये विलासता से परिपूर्ण ये उत्पाद होंगे इसके साथ साथ हम लोग सौंदर्य उत्पाद भी बनाएंगे जिसके अंदर आभूषण भी मौजूद होंगे और ये तब जब हमारी कंपनी जो है वो हमारी कंपनी को शीर्ष दस में लेकर चली जाएगी क्यों क्योंकि ये वो समय है जब हमारी कंपनी जो है उसके पास एक दशमलव सात मिलियन लोग हैं और बहुत शीघ्र हम लोग जो हैं बहुत जल्दी पच्चीस मिलियन तक पहुंच जाएंगे क्यों क्योंकि हम लोग जो भी कर रहे हैं आप इसको छू सकते हैं इसको महसूस कर सकते हैं इसकी इसका मूल्य बहुत ज्यादा है और इवोसेंट और दूसरी परियोजनाओं का धन्यवाद कि विश्व की नई आर्थिक संक्रांति इन, हो पाएगी हम लोग इस दर्शन शास्त्र को अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों तक पहुंचा पाएंगे और इसके अंदर पहले से समृद्ध लोग भी मौजूद होंगे और ये लोग हमारे ब्रांड के सह मालिक होंगे हमारी कंपनी के सह मालिक होंगे तो रहमान आपको क्या लगता है कि चलिए आइए एक बार देखते हैं कि हमारे विपणन योजना क्या है क्योंकि बहुत सारे लोग विपणन योजना के बारे में मार्केटिंग प्लान के बारे में जानना चाहते हैं कि वो किस प्रकार से इस परियोजना के हिसाब से कमा सकते हैं आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं एक और स्लाइड What association comes to your mind when you hear the word art? Velasquez's Las Meninas, the cinema of Andrei Tarkovsky, music by Richard Wagner. These great artists who predetermined their time left behind a truly great legacy. But what if we say that great art can be tangible? The very art that instead of being introspective changes reality. It brings people together, strengthens our image and determines our social status. Of course, we mean high perfumery. The Evo Rich team has entered into a partnership with one of the most renowned perfumers in the world, Ramon Bihar, whose artwork can be found in the most luxurious boutiques on the planet the best known is his personal brand which has already conquered many hearts around the world right now we're presenting a unique line of perfumes exclusively for the evo rich community the exceptional evo scent collection the rich spirit is designed to attract the abundance and prosperity of both the material and spiritual worlds by putting them together you will become invincible Purity and nobility is emphasized by dynamic gold. It shines a new light on a person opening the doors to new opportunities and acquaintances. The intriguing fragrance basalt is imbued with a mysterious and divine essence. The fifth element will bring you closer to the boundaries of the unknown world to make new discoveries and to create. The millennial fragrance rediscovered in the Paradigma perfume will inevitably give rise to reflections. It will make you want to learn more about your companion during the conversation to rediscover each other. The perfume Tantric, imbued with floral, fruity, and woody hues, is designed to awaken sensuality and love of freedom. Based on serene and spiritual energy, the perfume Greatness will help you make all your dreams come true and firmly go straight to the top. Finally, Evo Rich is the core of the entire collection, number one. Strong and flexible at the same time, it inspires confidence and belief in a good future. These fragrances have unique characteristics. They strike your senses and change the traditional perception of perfume. They're long-lasting thanks to the superior quality and proportions of the essences. Paired with the individuality of each person, a well-chosen EvoScent perfume will leave an unforgettable mark on the person that you negotiate or just contract with. Intrigued? See the quality yourself by purchasing these perfumes on our website, evoscent.com, and feel the widest palette of fragrances created by a genuine artist from the world of perfumery. exclusively for Evo Rich. तो इस इवसेन परियोजना के साथ हमारे हमारे पास uh, एक क्षमता है कि हम लोग 25 मिलियन लोगों को आराम से साइन अप कर सकते हैं और ये लोग जो हैं वॉल्यूम बना सकते हैं कितना कम से कम दो बिलियन यूएस डॉलर का और ये सारी की सारी चीजें ये सारी प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है इस उपहार से जिसके अंदर हम लोग आठ नमूने यानी कि सैंपल्स दे रहे हैं और आप जो है इस उपहार को प्राप्त कर सकते हैं यदि आप पंजीकृत हैं इवो रिच के साथ बहुत ही सरल है आप केवल जाएंगे और आप साइन अप करेंगे और ये कार्य पूरा हो जाएगा आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं इस समय मौजूदा स्थिति में हम लोग जो है इवोसेंट की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि इस इस सैंपल का उपहार का जो बक्सा है आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पंजीकृत होना पड़ेगा तो पंजीकृत होने के लिए आपको ईवोरेज की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पर जाकर आप अपनी किट को ऑर्डर कर सकते हैं इस उपहार को ऑर्डर कर सकते हैं और आप देख रहे हैं इस के ऊपर जैसे कि यहाँ पर जो विश्व को चार क्षेत्रों में बांधा हुआ है और आपका देश जिस जिस क्षेत्र में आता है आपकी जो शिपिंग कॉस्ट है शिपिंग मूल्य है वो अलग अलग होता जाएगा वो बदलता जाएगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जितना जल्दी हो सके आप के पास आपके उपहारों को पहुंचा पाएंगे और यहाँ से आपको मालूम है कि दुबई में इस समय हम लोग इन नमूनों का उत्पादन कर रहे हैं और ये सारे के सारे उपहार जो हैं दुबई से ही आप तक पहुंचेंगे और यदि हम लोग एक बॉक्स को ऑर्डर करते हैं तब क्या होता है और अगर हम लोग सक्रिय रूप से इसको इसके ऊपर कार्य करते हैं तो एक उपकरण के माध्यम से बहुत शीघ्र हम लोग इन बक्सों को खत्म कर देंगे और इसकी अभाव हो जाएगा हम लोग इन इन सुगंधों का स्वयं इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने अपने जो ग्राहक है उनको भी दे सकते हैं लेकिन अब आप दूसरे उपहार को कैसे आप ऑर्डर करेंगे तो उसके लिए आपको केवल और केवल एक चीज करनी है आपके पास आपके पास दस लोग ऐसे होने चाहिए जो कि जो कि दस उपहारों को खरीदने को तैयार हैं तो उदाहरण के तौर पर आपकी पहली पंक्ति के अंदर जो पहले दस लोग अपनी किट को ऑर्डर करते हैं अपने उपहार को ऑर्डर करते हैं तो आप दूसरा उपहार अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं तो अब आप इस प्रणाली का इस्तेमाल करके आप आराम से जो है अध्यक्ष बन सकते हैं और अपनी संरचना को पार कर सकते हैं ऊपर बढ़ सकते हैं और ये संरचना ऐसी है जो कि आपको बहुत सारे उपहार और बहुत सारे आपको अप्रत्याशित उपहार भी देगी तो जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे और अब जब हम लोगों के पास आपका ऑर्डर पहुंचेगा तो हम सभी ऑर्डर्स को शिप कर देंगे लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवंबर इस साल नवंबर तक जो जो पूरी की पूरी जो शिपमेंट है वो पूरी हो जाएगी और मुझे लगता है कि ये क्रिसमस या नए साल के लिए ये एक बहुत अच्छा और उच्च उपहार हो सकता है और आपको मालूम है कि अगर आप आ, किसी भी विलासता या बड़ी परफ्यूम शॉप में जाएंगे इत्रों की दुकान में जाएंगे तो इसका क्या मूल्य हो सकता है रेमॉन पूछ रहे हैं और रेमोन कह रहे हैं कि मैं मैं बहुत उत्साहित हो गया था जब एंड्रे ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि, कि ये जो आला जो आला आपके सुगंध है इत्र है ये सौ या डेढ़ सौ डॉलर तक हो सकते हैं और ये मेरा एक हम लोगों ने साक्षात्कार किया आंद्रे के साथ मैंने जब स्वयं साक्षात्कार किया आंद्रे के साथ तो हमने बात की और हमने सौ और एक सौ पचास डॉलर तक हम लोगों ने बात की और उन्होंने कहा रेमोन नहीं हम लोग डेढ़ सौ डॉलर नहीं बल्कि हम लोग तो इसको उपहार के रूप में देंगे और फिर उन्होंने मुझे अपने समुदाय के बारे में बताया कि कितने सारे जो हमारे लोग हैं वो वाकई इन वो इस चीज को मुझे लगता है कि वो वाकई में इतनी मेहनत करते हैं कि उनको ये उपहार के रूप में मिलना चाहिए और ये उनकी कमाई है हमारे साथ रहने की और हम लोग यहाँ दुबई में थे और दुबई में हम एक इत्र की दुकान में गए और हमने पूछा कि क्या उनके पास कोई संग्रह है इत्रों का और उन्होंने कहा कि जी हाँ और उनके पास वहां पर जो मूल्य था वो 160-170 यूएस 170 डॉलर का था और हमारे जो सैंपल्स हैं वो उपहार के रूप में आपके लिए बिल्कुल मुफ्त हैं तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं वो भी सैंपल बेचते हैं लेकिन उसमें भी वो 180 डॉलर का न्यूनतम मूल्य लगाते हैं तो यदि आप प्रोमो कोड डाउनलोड करते हैं इवोसेंट का तो और सभी सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम के माध्यम से और जैसे कि आज मैंने पढ़ा कि मुझे पता नहीं है लेकिन हमारे जो जो सुपरवाइजर थे उन्होंने ये कहा कि आप उसको सुपरवाइजर का जो नाम है वो उन्होंने बदलकर मेटा कर दिया है और वहां पर आप मेटा के ऊपर जाएंगे फेसबुक के ऊपर जाएंगे तो आपको पूर्ण रूप से बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप जो है आप अपने आप आप जो है आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं पंजीकरण करने के बाद आप अपना क्यूआर कोड डाउनलोड कर सकते हैं और ईवो सेंट से मिलती बड़ी मिली जुली सारी की सारी ताजा खबरों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और आप इवो रिच के बैक ऑफिस में भी जाएंगे तो खबरों के अनुभाग के अंदर आपके पास एक क्यूआर कोड मिलेगा जहां पर आप जो है इस उपहार को इन सैंपल्स को आप मुफ्त में आप मंगवा सकते हैं और अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत विस्तार से जानकारी मूल्यों के बारे में एक यूनिट जो है वो कम से कम 200 सौ यू यूएस डॉलर की है एक सौ डॉलर की लेकिन दिसंबर के अंदर हम लोग जो है हम लोग इसकी पूर्व बिक्री की योजना बना रहे हैं क्राउड फंडिंग के माध्यम से और आपको आपकी बोतल जो है वो केवल आधे मूल्य में यानी कि 98 डॉलर के अंदर आपको मिल जाएगी और ये मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया बहुत ही ऑफर है और यहाँ पर अगर आप बात करते हैं परफ्यूम्स के इत्रों के मूल्य की तो ये वाकई कुछ भी नहीं है आने वाले वेबिनार्स में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको ये समझा पाए कि बाजार के अंदर कि ये जो परफ्यूम्स जो बिकती हैं साठ या सत्तर डॉलर की वो उनकी जो उच, जो उच्चता है या जो उनकी उनका जो स्तर है उच्चता और उनके गुणवत्ता का स्तर है वो बहुत अलग है वो बहुत नीचे है और ये जो इत्र हम आपके लिए लेकर आए हैं ये उच्च क्वालिटी के हैं और उच्च गुणवत्ता के हैं और आप जो हैं ये आला और इनको आप इनकी तुलना जो है आप आला इत्रों से कर सकते हैं सुगंधों से कर सकते हैं जो आप बाजार में प्राप्त कर सकते हैं मैं आपको ये बता सकता हूं कि रेमोन कह रहे हैं कि कम से कम ये जो इत्र है स्तर के इत्र कम से कम आपको 300 सौ यूरो देने पड़ेंगे और और अगर इससे किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने बनाया होगा तो जो मूल्य है वो वो कम से कम 400 या 500 यूएस डॉलर का होगा तो ये मूल्य जो है ये मूल्य जो है इस मूल्य को आप कहीं पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं लेकिन एंड्रे रातव चाहते हैं कि इस इत्र को इस सुगंध को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि हम लोग सहभागी सहभागी के सहभागी तक इस इन इत्रों को पहुंचा सके और इसके लिए इस मार्केटिंग प्लान का धन्यवाद विपणन योजना का धन्यवाद पहले तो आपको केवल इसका साठ प्रतिशत ही देना है और माफ कीजिएगा केवल अड़तीस प्रतिशत देना है इसके मूल्य का और आप जो हैं आप सहमालिक बन जाएंगे इसके और आप इस कंपनी के सुहा मालिक बन जाएंगे क्योंकि आपको टोकन दिए जाएंगे और आप हमारी तरह सहमालिक बन जाएंगे इस कंपनी के और दूसरा हिस्सा तो पहला हिस्सा जो है कि आपको पूर्व ऑर्डर करना होगा और दूसरा हिस्सा जो कि आपको मूल्य देना है वो शिपमेंट से पहले अड़तीस का देना है और अप्रैल मई और जून के अंदर जब सभी के सभी ऑर्डर्स बन जाएंगे तो बाकी का जो आ, जो हिस्सा है वो आपको तब उसका भुगतान करना है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही आला उत्पाद है और बहुत सारे लोग जो है इसका इस उत्पाद का लुत्फ उठाएंगे और शायद अगर कभी अभी भी कोई व्यक्ति जो थोड़ा सा हिचकिचा रहा है और इस समुदाय का हिस्सा बनने के लिए सोच रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप किसी भी आप जो है आप किसी से भी बात करेंगे तो वो आपको लगेगा कि उनको सुगंध जो है एक उच्च क्वालिटी के उच्च गुणवत्ता के जो सुगंधे सुगंध है वो हमेशा उनको उनको उनकी चाह रही है तो इसीलिए ये अब आपके पास मौका है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं और हम लोग उसके बाद लॉन्च करेंगे एक अकादमी केवल परफ्यूम की जानकारी के लिए शिक्षा के लिए और हम लोग यहाँ पर आपको प्रशिक्षण देंगे आपको प्रशिक्षण देंगे ना ही केवल आपको बल्कि आपकी आपके सभी बल्कि आप जो हैं इस इत्र को किस प्रकार से अपनी संस्कृति से जोड़ पाएंगे और जोड़कर आप अपनी कहानी बना पाएंगे कल्पना कर पाएंगे और कल्पना कर पाएंगे कि किस प्रकार से आपके जो भावी ग्राहक हैं वो आपके पास साथ जुड़ रहे हैं इस सुगंध की दुनिया के माध्यम से और ये जो है थोड़ी प्रतिबद्धता की जरूरत होती है इसके अंदर थोड़ा सा समय लगता है और इसमें मेहनत लगती है और मैं यहाँ पर सर जी को बोलना चाहूंगा कि कि जिस प्रकार से वो अपने शब्दों में इन सुगंधों को वो बताते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो आप उनको सूंघ रहे हो और जैसे कि आपको लगता है कि आपके हवा में ही कहीं ये सारी की सारी सुगंधें घुली मिली हैं हम लोग आपको वाकई आपको हम लोग प्रशिक्षण देंगे कि क्या क्या वो शब्दावली है जिसके अंदर आप जो है इस सुगंधों की दुनिया का जो है चित्र चित्रण कर सकते हैं और अगर आप इस स्लाइड को बदलते हैं तो यहाँ पर एक सारांश है। कि हम लोगों ने अभी तक क्या किया है और हम लोग आगे क्या करने वाले हैं इस साल के अंत तक हमारी क्या योजनाएं हैं और मैं यहाँ पर ये कह सक ये कह सकता हूं कि जो ये, ये, है, ये हम लोग आपके लिए ये जो महान उत्पाद है ये महान उत्पाद हम अपने महान समुदाय के लिए लेकर आए हैं ताकि लोग जो हैं जो भावी ग्राहक हैं वो भी आपके साथ इस समुदाय का हिस्सा बन सके हम लोग यहाँ पर वाकई बहुत सारी जो युगेन के साथ हम लोग जो हैं हम लोग उनके साथ सहभाधिता दिखा रहे हैं ताकि हम लोग वो हमारे प्रचार कर पाए और हम लोगों ने यहाँ पर वाकई एक प्रकार से एक 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 छोटी सी झील के अंदर हमने ता, एक छोटी सी झील में एक पत्थर फेंका है ताकि ये लहरें जो हैं वो उत्पन्न हो सकें और इवोरिच वही एक पत्थर है तो अंत में सारांश में मैं तो यही कहूंगा कि प्यार से सौम्य तरीके से हम लोग इस सुगंध को ये सुगंध हमारे तक पहुंच पाएगी और हम लोग इसी सुगंध के माध्यम से विश्व की नई आर्थिक संक्रांति को भी पहुंचा पाएंगे उसको भी फैला पाएंगे रेमोन जो है आपको शुभकामनाएं देते हैं और वो ये कहते हैं कि ये जो सुगंध है ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बने हमें वो अनुभव हो कि महानता क्या है और अंततः जो इवोसेंट है वो एक ऐसी परियोजना होगी जो नंबर एक पर आएगी और जैसे कि इवो रिच है तो ईवो तो जैसे कि हमारे पास नंबर आठ है नंबर आठ जो कि सूचक होता है अनंतता का और समृद्धि का तो मुझे लगता है कि एक एक करके हम अपनी पहचान को और सुदृढ़ बनाएंगे उसको और परस्पर तरीके से फैलाएंगे हम लोग लगातार आप लोगों के पास ये वेबिनार्स लेकर आते रहेंगे और जो ये जो नए वेबिनार्स होंगे या जो नए वेबिनार्स हैं और ये इस साल के अंत तक आएंगे क्योंकि हमारे पास खूब योजनाएं हैं और हम लोग जो रणनीति है वो भी उसी प्रकार हम बनाते रहेंगे ताकि ये रणनीति योजना के साथ साथ हमारी वास्तविकता का भी हिस्सा बने और अंत हा, अंत में हम लोग एक वीडियो के साथ आपको छोड़ना चाहेंगे और ये वीडियो जो था दुबई का वीडियो था और ये काफी सफल भी रहा और ये एक ऐसा वीडियो है जो कि आपको बताएगा कि इस परियोजना का जो पृष्ठभूमि है परियोजना की पृष्ठभूमि है वो वो क्या थी कितनी कितनी ज्यादा मेहनत लगी हुई है और हम लोग आपके साथ लगातार बने रहेंगे और आपको हम शुभकामनाएं देते हुए हम खत्म करते हैं और आप के वक्त के अनुसार आपका अभिनंदन करते हैं सुप्रभात शुभ दिवस या शुभ रात्रि तो पहले क्या वीडियो चलाएं कि नहीं जी नहीं मैं यहां पर कुछ शब्द कहना चाहूंगा मुझे मेरे विचार मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या आप दिसंबर के अंदर पच्चीस हजार कमाना चाहते हैं पच्चीस हजार डॉलर अगर हाँ तो हम लोग वाकई काफी चीजें कर सकते हैं मिलकर और और यदि हम लोग करते हैं तो मैं आपको वाकई मैं यहाँ पर अपने आप को मैं यहाँ पर चुनौती देता हूँ और आपको भी चुनौती देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस चुनौती को जरूर स्वीकारें Cuando la prosperidad desciende desde lo alto, lo sublime y absoluto, cuando tiene una infinita vocación por la belleza, cuando está cargada con la más potente de las energías, de un maravilloso vórtice de tipo superior surge ese. Este flujo nos rodea de lo hermoso, de lo noble, incrementa nuestra vibración, y seguridad disfrutando así de todos los momentos presentes de vivir, desde una conciencia universal, la que nos lleva a ser uno por todo. Prosperidad que siempre se manifestará en este nuevo mundo que estamos creando de arriba a abajo, de lo espiritual a lo material, invirtiendo así las energías económicas que han imperado hasta ahora. Así es Euser, un nuevo proyecto de EvoLich, una nueva compañía desarrollada por un excelente equipo de exitosos artistas, tenaces empresarios y grandes comunicadores, y respaldada por toda una comunidad de afortunados inversores, dedicada al desarrollo de una sublime colección de productos en el mundo de la moda, la cosmética y el lujo cuyo objetivo final es el de convertirse en una de las 10 compañías más importantes de este sector a nivel mundial. es este fascinante proyecto se encuentra el prestigioso perfumista Ramón Bejal, con más de 40 años de exitosa dedicación al mundo de los aromas. Considerado uno de los mejores perfumistas del mundo, sus creaciones han sido número uno en ventas a nivel mundial. Vive en de los lugares más importantes del mundo, con innumerables reconocimientos internacionales. Empecen comienza su curso desarrollando una sublime colección de perfumes de distinción de Hailes Collection, ocho exclusivas fragancias que abarcan tendencias y gustos que pueden satisfacer las demandas. Más exigentes de la mayoría de culturas olfativas que configuran nuestra comunidad. Ocho perfumes diferentes y a la vez complementarios con el denominador común de la exquisitez y la exclusividad. ¿Cuál de estos perfumes es el tuyo? Quizás todos, cada uno, para una ocasión. Pruébalos y entra en el mundo EvoCen. तो दोस्तों इसी के साथ ये सत्र यहीं समाप्त होता है आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपसे विदा लेते हैं अगले सत्र में आपसे फिर भेंट होगी नई जोश और नई उमंग के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए अपना अपना ध्यान रखिए सुरक्षित रहिए अपने परिजनों का ध्यान रखिए और शुभरात्रि कहते हुए हम आपसे यहाँ विदा लेते हैं धन्यवाद